ZNO TV न्यूज एंड एंटरटेनमेंट यही सत्य। आज रूबरू चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनाइटेड क्वालिटी एसोसिएशन वाले दोनों मिला के इन कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन ऑफ बोथ दी चैरिटेबल ट्रस्टेस डिस्ट्रीब्यूटिंग 67 आयरन बॉक्सेस टू दी नीडी पीपल मार्जिनलाइज्ड वॉशरमैन कम्युनिटी. It is a great contribution by them to the society, and it is one of the specific act comes under the poverty alleviation under NALSA schemes. Today I was invited by the Rubaru Charitable Trust. Thank you for the Rubaru Charitable Trust for inviting me for distribution of iron boxes to the needy people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरे में एक मरतबा फिर मुस्लिम स्टेट वॉशरमैन एसोसिएशन की जानिब से, जो हर जगह गवर्नमेंट से और प्राइवेट एनजीओ से नुमाइंदगी करके इस कम्युनिटी के लोगों का फ़ायदा सोचा जाता है, और ये तमाम वॉशरमैन एक बैनर के तले यहाँ पर जमा होते हैं और 18 साल से मेहनतों के बाद में दो मुस्लिम धोबी घाट, एक बहादुरपुरा और एक याकूतपुरे में सैंक्शन किया गया कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से. उससे तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इससे कबल तकरीबन 250 इस्तरी जो काफ़ी हैवी रहती है और एक एक की कीमत 5,000 रुपये होती है, 250 बेवाओं को और ज़रूरतमंदों को गुज़िश्ता 2 साल पहले तकसीम किया गया. आज रूबरू चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन जनाब शुजात हुसैनी साहब और उनके जैसे हरकियाती नौजवानों के ताउन से आज 66 लोगों को आज इस्तरी दी गई है. और हमारे साथ में जो है स्टेट के सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के सीनियर सिविल जज मैडम आए थे, और इंस्पेक्टर पुलिस मोगलपुरा जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब भी मौजूद है. यहाँ पर दीगर एनजीओस के ताउने अमल से आज यहाँ पर 66 लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका फराहम किया गया. और आपकी इत्तला के लिए जनाब हबीब इमाम खादरी साहब जो लेक्चरर हैं, उन्होंने मुस्लिम धोबियों पर PhD भी की है, उसकी किताब और थीसिस सबमिट हो चुके हैं और उनको PhD अवार्ड की गई है. ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मुस्लिम धोबियों की एसोसिएशन हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं. आज जनाब शुजात हुसैनी साहब की तंजीम यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन के ताउन से जो काम हुआ है, उसमें मेहंदी डिजाइनिंग और जो बच्चियाँ सिलवाई सीखे हैं उनको सिलाई मशीन भी तोहफे में दी जा रही है. मैं उन तमाम लोगों से जिन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अपना दस्ते ताउन दराज करें. अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहते हो, हम साथ में हैं, और उन तमाम लोगों का हम शुक्रगुजार हैं जो इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए दस्ते ताउन दराज किया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. मैं सैयद शजातुल्लाह हुसैनी, यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन की जानिब से आज इस्तरियां डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं धोबियों को यहाँ आज़म फंक्शन हॉल में, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी हमें मिली थी कि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके पास इस्तरियाँ नहीं है बोलकर, तो हम लोगों ने वो इस्तरियों का इंतज़ाम किया. तकरीबन 70 इस्तरियाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और हमारा टेलरिंग सेंटर और मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर जो शाहीन नगर पे है, उन लोगों का कोर्स कम्प्लीशन के मौके पर आज उन लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, और 2 लोगों को उसमें टेलरिंग मशीन भी दी जा रही है. इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे. इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNO TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Instagram पर फॉलो जरूर करें. याद रखिए, ZNO TV यही सच है.